हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉल सेटिंग्स के रिलेटेड। तो गाइस, अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप इस फोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग्स कर सकते हो। कैसे करनी रहती है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो जो आपका स्मार्ट कॉलिंग सेटिंग है तो इसके लिए पहले हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे की तरफ एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको आ जाना और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है गाइस यहाँ पे आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे तो आपके पास गाइस कोई भी बंदा कॉल कर रहा है तो आपको कॉल रिसीव करने की जरूरत नहीं है। सीधा फोन उठा के कान पर लगा लेना है और आपका फोन रिसीव हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर इस सेटिंग को हम इनेबल कर देंगे तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए गाइस आप किसी बंदे से फोन पर बात कर रहे हो और आपका फोन स्पीकर पर है और आप स्पीकर बंद करना चाहते हो तो आपको स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको फोन फिर से कान पर लगा लेना है, आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और आप किसी मीटिंग वगैरह में हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आपका फोन टेबल पर रखा हुआ है, आप फोन को उल्टा कर दें, बस आपकी इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। ओके, इसके बाद गाइस चलते हैं इसके डायलर के अंदर। डायलर के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसकी सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपको सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉलिंग अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको आंसर एंड एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इसको इनेबल करोगे। पहली सेटिंग जो कि है आपकी ऑटो आंसर कॉल्स व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस। इस दौरान गाइस आपका फोन अगर हेडफोन से कनेक्ट है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो आपका फोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो। जिसका टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, डिले ऑटो आंसर 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप रखना चाहो। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट करोगे तो गाइस जब आपकी फोन की स्क्रीन ऑन होगी, जैसे कि आपकी फोन की स्क्रीन ऑन है और अगर आपने पावर बटन प्रेस कर दिया तो आपका कॉल कट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको वाइब्रेट व्हेन अदर पार्टी आंसर एंड एंड कॉल। इस सेटिंग को अगर आप एक्टिवेट करोगे तो सामने वाला बंदा जब आपका कॉल रिसीव करेगा तब भी आपका फोन वाइब्रेट करेगा, सामने वाला बंदा जब आपका कॉल कट करेगा तब भी आपका फोन वाइब्रेट करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ से ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह कर सकते हो। मोर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्लैश ऑन कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लो, आपके पास जब एक इनकमिंग कॉल आएगी और आपका फोन दूर रखा हुआ तो आपके फोन की फ्लैश लाइट जलेगी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी सेटिंग्स कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।